बिस्मिल्लाहमान रहीम मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों मैं आपको और पीडीएम की मोहतरम कियादत को और तमाम जमातों के कारकुनों को अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीमुशान जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ख़ास तौर पर इस जलसे के मुंतजमीन और कारकुनों को शाबाश देता हूं, जिन्होंने एक गास्ब और गैर जमहूरी हकूमत के तमाम हथकंडों को नाकाम बनाते हुए ये जलसा मुनक़द किया भाई और बहनों मैंने इस तरह की आमरीत और इस किस्म के जबर की मिसाल कमी देखी है कि एक पुरमन जलसे को कुर्सियां लाउड स्पीकर और लाइट्स देने पर भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं इन लोगों को खबर नहीं कि जब अवामी ताकत का सैलाब आता है तो इस तरह के अथकंडे इस तरह की बुजदलाना रुकावटें तिनको की तरह बह जाती हैं। लाहौर के मेरे गयूर भाइयों आप जानते हैं मेरा तो आपके साथ उम्र भर का ताल्लुक है अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने जब मुझे पहली मरतबा वजीर आजमतब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खत्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क भरकर उभरा हमारी शरा तरक्की आठ फीसद जा पहुंची जो आज सिफर से भी नीचे है और अल्लाह के फजलो करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए आपको लाहौर इस्लामाबाद और पशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया और आपने जब मुझे दूसरी मरतबा वजे अजमतब किया अल्हमदुल्ला तो फिर मैंने पाकिस्तान की सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया आप गवाह हैं इस बात के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान दुनिया की सातवीं बड़ी एटमी कुवत बन गया इमरान खान को यानी सिलेक्टेड को जो लाने वाले हैं उनको भी शायद याद हो या ना हो लेकिन लाहौर के मेरे भाई और बहनों आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वजीर आजम साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है अपनी मोहर है पाकिस्तान की अपनी मोहर है और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मरतबा वजीर आजम और शबाज शरीफ साहब को वजरियाला बनाया तो आप जानते हैं अच्छी तरह से मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था बीस बीस घंटे की लोड शेडिंग होती थी याद है ना आपको बीस बीस घंटे और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे हर तरफ दहशत गर्दी का राज था रोज बम धमाके होते थे हर तरफ बदमनी बदमनी थी अल्लाह ताला के करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका याद है ना आपको पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलों कर्म से मजबूत किया आज यहां से कुछ ही फासले पर आप जानते हैं यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है लाहौर मुल्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइजत सफर मुहैया कर रही है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में पीकेएलआई एल आई जैसे इदारे बन रहे थे हस्पताल बन रहे थे मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शबाज शरीफ को शाबाश देता हूं दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए लाहौर के मेरे भाई और बहनों पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई किस तरह चंद जर्नलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ शबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक ना अहल ना और नादान खलंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत महंगाई बेरोजगारी बदमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया धक्का दे दिया आपको याद होगा हमारे दौर में आटा पैंतीस रुपए किलो था पैंतीस रुपए मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है नवाज शरीफ के दौर में चीनी पचपन रुपए किलो थी मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा उसका पैसा उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा आवाम को नहीं पहुंच रहा बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और एटीएम मशीनों की जेबों में जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता नवाज शरीफ के दौर में आपको याद है ना डॉलर एक सौ चार रुपए पर था और कहा पहुंच गया आज कहां पहुंच गया है पाकिस्तान के अवाम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें? किससे पूछें कि घी दालों सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं? किससे पूछे कि दुआओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई है किससे पूछे कि देखते ही देखते हमारी आदि आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है किससे पूछे कि लोग फांकों पर क्यों मजबूर हो गए हैं किस से पूछे कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया किससे पूछे एक करोड़ नौकरियां देने वाले ने लाखों लोगों का रोजगार क्यों चीन लिया आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को किससे पूछे कि पचास लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया किससे पूछे कि बिजली और गैस मिले ना मिले तीन तीन चार चार गुना बिल क्यों आ रहे हैं किससे पूछे कि सत्ताईस अरब में मेट्रो बस बनाने वाला शबाज शरीफ तो जेल में है लेकिन पिशावर बीआरटी जिसमें कौम के 110 अरब डबोने वाले आज क्यों दंदनाते फिरते हैं किससे पूछे कि आसिम सलीम बाजवा ने अमरीका में अरबों की सल्तनत कहां से बनाई किस से पूछें? कि अलीमा खान ने बर मुल्क अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई किस से पूछे कि जमान पार की नई तामीरात और बनी गाला का महल कैसे बना किससे पूछे कि इमरान खान का फॉरन फंडिंग केस कई बरस से लापता क्यों है ये इमरान खान कहता है ये कहता है एनआरओ नहीं दूंगा तुम से एनआरओ मांगता कौन है तुम और अलीमा खान तो खुद साकिब निसार के एनआरओ पर जी रहे हो तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे भाई किससे पूछें कि ऑक्सीजन मिले ऑक्सीजन पिशावर में नहीं मिली और सात अफराद क्यों हुकूमती नायली के भीड़ चढ़ा दिए गए आपको पता है ना कि पिशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सात लोग अल्लाह को प्यारे हो गए किससे पूछें कौन जवाब देगा और किससे पूछें कि सबूत कश्मीर जैसे साने पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए किससे पूछें कि पाकिस्तान हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तना हो गया है कहते हैं नाम न ना लो नाम न ना ले तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है क्या मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इकदार में लाए हैं और साजिश करके हमारे सरों पर मुसलत कर दिया हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई कि हम ना जाने हम ना समझें कि कौन असली जिम्मेदार है फिर कहते हो नाम न लू वाह मुल्क को बर्बाद कर दिया आपको बर्बाद कर दिया बाईस करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया मैशत को बर्बाद कर दिया और कहते हो नाम न लू आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लू जरा बताओ मुझे लाहौर के अवाम भाइयों आप बताओ प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत में महकमा जरात के खिलाफ दर्ज कराऊ जवाब दो मुझे लाहौर वालों आप ही जवाब दो जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाए तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊ जस्टिस सदीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सलवा सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें तो क्या शिकायत मैं महकमा महिंग, जंगलात के खिलाफ इलेक्शन चोरी आप करें आर टी एस आप बंद करवाए तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं आप बताएं कि इन संगीन जुराय की शिकायत पर मैं किससे करूं लाहौर वालों मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं आपकी बात कर रहा हूं आपकी आपका मुकदमा लड़ रहा हूं चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कह कर रहेगा और कहता रहेगा मगर 22 करोड़ आवाम को उनका हक दिलवाए बगैर हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा इन ये मेरा आपसे वादा है ये मेरे ज़मीर की आवाज है ये बाईस करोड़ आवाम के जमीर की आवाज है ये आपकी जमीर की आवाज है ना लाहौर वालों आपके भी जमीर की आवाज यही है ना नवाज शरीफ क्या कहता है भाई क्या कहता है नवाज शरीफ का बयानिया क्या है वही जो पाकिस्तान के आइन का बयानिया है वही जो फौज के हल्फ का बयानिया है वही जो कायदेजम का बयानिया है यही मेरा बयानिया है आइन की ताबेदारी करो अपने हल्फ की पासदारी करो सियासत से दूर रहो फौज के इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए मत इस्तेमाल करो एजेंसियों में पोलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां बंद करो इंतखाबात चोरी मत करो वोट को इज्जत दो फौज को मुतनाजा मत करो मेरे दोस्तों यही है मेरा बयानिया इसमें अगर कोई एक बात भी मुल्क या रियासत या कौमी सलामती के खिलाफ है तो मुझे बताओ लाहौर वाले बताओ बताओ मुझे लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं भाइयों जब आप आइन तोड़ते हैं जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं जब आप दस दस साल इकदार पर कब्जा करते हैं जब आप मुल्की दफा के लिए काम करने की बजाय सियासतदानों को जेल में डालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं जब आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगते हैं जब आप हर आवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं तो फिर बजा तौर पर आवाम को शिकायतें पैदा होंगी फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे इन सवालों का जवाब ये नहीं कि नाम क्यों लेते हो मैं अगर आपसे पूछूं जब एक जर्नैल एक जज के घर जाता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को नहीं छोड़ना और ये बात मंदिर आम पर आती है तो उस जर्नैल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है उसको तो उल्टा तरक्की दे दी जाती है आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने आपके बकौल जज्बात में आकर आईजी सिंध को अगवा किया कहते हैं जज्बात में आकर आईजी को अगवा किया वाह क्या वो मरियम नवाज शरीफ के होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुए क्या ऐसे वाकयात से फौज की इज्जत में इजाफा हुआ क्या इससे फौज का वकार बुलंद हुआ फौज का मर्तबा बुलंद हुआ भाई मैं नाम इसलिए लेता हूं कि इल्जाम पूरी फौज पर ना लगे इल्जाम मेरी पाक फौज पर ना लगे उन प्यारे मुजाहिदों और जानबाजों पर ना लगे जो इस खेल से सैकड़ों मील दूर अपने मोर्चों में डटे हुए हैं और वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं उन्हें क्या खबर कि एक जर्नैल ने जज को क्या कहा उन्हें क्या खबर के वतन के दिफा पर तो सर्फ करने की बजाय वो जजों और सियासतदानों के खिलाफ साजिशें करने पर अपनी तोनाईया खर्च कर रहे हैं उन्हें क्या खबर वो तो बेकसूर हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है यही वो डिक्टेटर मेरे भाइयों लाहौर के बासी यही है वो डिक्टेटर और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं ये हैं वो लोग ये हैं वो चेहरे मेरे दोस्तों भाइयों बहनों आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानियों को यानी वोट को इज्जत दो को पूरे पाकिस्तान की कुवत अल्हम्दुलिल्लाह और ताकत हासिल हो गई है आपके कामयाब जलसों ने और जज्बों ने वाजे पैगाम दिया है कि अब इस जाली सेटअप का जारी रहना मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता है यह खेल अब खत्म हो जाना चाहिए एटमी कुवत होने के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में तमाम मामालिक से आज पीछे रह गया कितने दुख की बात है ये जाली सेटअप जारी रहा तो इतना नुकसान होगा जिसकी तलाफी किसी के बस में नहीं रहेगी ये मैं बता देना चाहता हूं लाहौर वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जदोजहद एक नए फैसला कुन मरले में दाखिल हो रही है आप इस नए मरले के लिए घरों से निकल पड़े फिर न कहना कि हमें पता नहीं चला फिर न कहना कि हमें इल्म नहीं हुआ मैं खास तौर पर नौजवानों से कहूंगा कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए आज उसी जज्बे के साथ उठ खड़े हों जिस जज्बे के साथ आपके बुजुर्ग अपनी जवानी के दिनों में पाकिस्तान बनाने के लिए निकले थे अब हम इस जाली सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते अब यहां बैठना कौन से ज्यादती और ना इंसाफी है इस निजाम को बदले बगैर कोई चारा नहीं है लाहौर वालों और पाकिस्तान वालों गौर से मेरी बात सुन लो इस निजाम को बदले बगैर अब कोई चारा नहीं ये मुल्क मजीद गैर जमहूरी दखल और मुदाखलत की ताब नहीं ला सकता और जो दखल अंदाजियां करते हैं खास तौर पर मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं ये मुल्क अब इसका मुताहमल नहीं हो सकता ये मुल्क जैम हो चुका है बिल्कुल जैम हो चुका है और इस निजाम को बदले बगैर अब आप आगे नहीं बढ़ सकते ये जो हाईटेक जमहूरियत जिसको अगवा किया इन लोगों ने इसमें आपका और आपके बच्चों का कोई मुस्तबिल नहीं बिल्कुल नहीं है इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही बेहतर है लिहाजा आज हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें रियासत के ऊपर कोई रियासत ना हो याद रखें मेरी बात गौर से सुने कोई फौज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती आज जब आप अपनी आजादी मनवा रहे हैं अपने जोरे बाजू से और अपने हकूक हासिल करने पर जोर दे रहे हैं बेकार जाली मुकदमात दर्ज करने के सवार ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनसे मत खौफ खाए क्योंकि ये खुद आपसे खौफ जदा है इनको बताएं ओम के हकूक करने का क्या नतीजा होता है अपनी खुद मुख्तारी हासिल करें भाइयों अपने वोट की इज्जत हासिल करें यह आपको लेनी पड़ेगी हासिल करनी पड़ेगी क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद चंद जरनेलों के गुलाम बन जाए पूछो ये सवाल अपने आप से क्या इस तरह की गुलामी आपको कबूल है एक आजादी उन्नीस में हमने हासिल की थी एक आजादी आज हासिल करने का दिन आ चुका है आज इस सिलेक्टेड सेटअप का ये ड्रामा अपने मंत की अंजाम को पहुंचना चाहिए मुस्लिम लीग नून के अरकिने कौमी व सूबाई असम्बली ने खुद हमें इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं मैं अपने उन साथियों पर फ्र करता हूं जो चटान की तरह अल्लाह के करम से हमारे साथ खड़े हैं और मनफियत कंडो की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे जब भी पीडीएम इन इस्तीफों को पेश करने की हिदायत देगी जब भी मौलाना फजल रमान साहब ये हदायत देंगे हम इनशा उस पर अमल करेंगे मैं अपने भाइयों और बहनों बिलखसूस नौजवानों से सवाल करता हूं यहां मिंटो पार्क ये मिंटो पार्क था इसका नाम मिंटो पार्क था 1940 में खड़े होकर पाकिस्तान हासिल करने का आजम करने वाले अपने बुजुर्गों की रवायत को आप जिंदा करेंगे क्या अपने वतन को इन जंजीरों से आजाद कराने का आजम करेंगे क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अज़म करेंगे क्या वोट को इज्जत दलवाने का अजम करेंगे अगर आपने साथ दिया तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर लें इनशाला कामयाबी आपके कदम चूमेगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो पाकिस्तान फहिंदाबाद